नाम क्या है इसका? डिटेल प्रोडक्शन। अच्छा जब भी मैं नेक्स्ट बोलूँगा आप शेयर नंबर चेंज करो। अच्छा आप देखें आप इसलिए प्रोडक्शन, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आप मेरे को रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि रिप्रोडक्शन होती क्या है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही सिंपल है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिससे जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जैसे दूसरे जानवर पैदा करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, यही मैंने लिखा है कि भाई अ प्रोसेस इन व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर ऑन काइंड इसका रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है यंग वंस, यहाँ पे ये यंग वंस किसकी बात हो रही है, यानी कि उस एम्ब्रियो की बात हो रही है, उस ऑफस्प्रिंग की बात हो रही है जो फ्यूचर में जाके क्या होगा, प्रोड्यूस होगा या पैदा होगा। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि सर जितने भी जानवर हैं उनको रिप्रोडक्शन की क्यों जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखें भाई जानवर जो है रिप्रोडक्शन के अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, वो खाते हैं, वो पीते हैं, वो सोते हैं, जिंदा रहने के लिए वो सारी चीजें जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल मेरा होता है कि सर व्हाई अ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोड्यूस क्यों करता है। तो बेटा इसका रीजन ये है कि उसकी स्पेशी को कंटिन्यू करने के लिए कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी ह्यूमन स्पेशी है, मान लीजिए कि हमारी ह्यूमन स्पेशी में सिर्फ 1000 मेंबर्स होते हैं, लेकिन आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म की डेथ भी तो होती है। ठीक है, तो यानी कि डेथ होते होते एक टाइम ऐसा आता कि ये सारे के सारे मेंबर्स क्या हो जाते हैं, मर जाते, खत्म हो जाते, और यहाँ पे फिर सिर्फ इस स्पेशी का नाम रह जाता। हमें ये कहा जाता है कि भाई हाँ कोई ह्यूमन स्पेशी थी जिसका नाम होमो सेपियंस था। ठीक है, तो किसी भी जानदार की स्पेशी को कंटिन्यू करने के लिए बेटा क्या किया जाता है, रिप्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, इंसान की जो स्पेशी है बहुत पुरानी है, बहुत सारे लोगों की डेली बेसिस पे डेथ भी होती है, लेकिन रीजन क्या है कि अभी भी हमारी स्पेशी खत्म नहीं हुई, उसका रीजन है रिप्रोडक्शन। ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसके साथ साथ उनकी क्या होती है, स्पेशी जो है वो कंटिन्यू होती है। अच्छा, ये पेरेंट बॉडी जब डिवाइड करेगी तो ये क्या हो जाएगा, आप देखें एक पेरेंट बॉडी से क्या बने, दो आपके डॉटर सेल्स बने। लेकिन याद रखिएगा जो एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, यानी कि जो मेल और फीमेल के गैमेट्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे। कौन सी रिप्रोडक्शन में, एसेक्शुअल में। अच्छा अब देखिए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, नाउ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या होता है, देखें हमारे पास जो फीमेल है उसके गैमेट और हमारे पास मेल के गैमेट। ठीक है, अच्छा नाउ गैमेट मैंने पहले भी बताया था कि मेल और फीमेल के जो सेक्स सेल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। अच्छा मेल के जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्पर्म होते हैं। ठीक है, और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं ओवा, सिंगुलर में ओवा एंड प्लूरल में ओवम। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास मेल के गैमेट्स होते हैं सिंगुलर में स्पर्म होते हैं एंड प्लूरल में ये सेमेन होता है पूरा का पूरा वो स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेटा क्या होगा जब आपका ओवा एंड आपका स्पर्म ये दोनों आपस में मिलेंगे, तब हम क्या बोलेंगे कि भाई ये हमारे पास क्या हो रही है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। क्लियर है, अच्छा ये दोनों मिलेंगे तो बेटा क्या बनेगा, सबसे पहले हमारे पास जायगोट बनेगा और जायगोट से फिर क्या बनेगा, हमारे पास एम्ब्रियो बनेगा, जो कि हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये फ्यूचर का ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्यूचर में जाके ग्रो करेगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर आपने एक चीज याद रखनी है कि जो हमारे पास गैमेट्स होते हैं मेल और फीमेल के, वो हमारे पास हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का फर्क याद रखें, ये इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा आपको जो है ना वो मदद करेगा। देखें हमारे पास जो एग होता है ना फीमेल का, वो हमारे पास क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। अब हैप्लॉइड को हम शो करते हैं एन से, जबकि डिप्लॉइड को हम शो करते हैं टू एन से, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब फर्क क्या है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में, पता है किसी को,
हैप्लॉइड सेल में और डिप्लॉइड सेल में क्या फर्क है, किस चीज का फर्क है? स्नान बेटा देखिए, जबकि बात आ जाए किसकी, हैप्लॉइड की, तो याद रखिएगा एच फॉर हैप्लॉइड, एच फॉर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है? यानी कि हैप्लॉइड सेल एक ऐसा सेल होगा जिसमें क्रोमोसोम्स के हाफ नंबर होंगे। टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 ठीक है। तो ये बेसिक्स से आपको पता होना चाहिए कि n क्या होता है, 2n क्या होता है, हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीजें आप अभी से समझेंगे तो आपको आगे चलकर ये चैप्टर समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाना था कि भाई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो ओवम होता है, ओवा होता है, उसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और जो स्पर्म होता है उसके अंदर भी कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स। तो यही रीजन है जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो आपके पास जो एम्ब्रियो बनता है, अब उस एम्ब्रियो के पास कितने टोटल क्रोमोसोम्स होंगे? 46 होंगे, ठीक है। 46 क्यों होंगे? क्योंकि दो ऐसे सेल मिले हैं जिनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। जब वो आपस में मिले तो 46 का जो है वो एक क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अच्छा आप देखिए, आपने ये तो समझ लिया बेसिक कि भाई एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल में क्या फर्क होता है, ठीक है। मैंने आपको जो सबसे मेन डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया कि भाई एसेक्शुअल में क्या होता है, फ्यूजन नहीं होती किसी गैमेट्स की, और सेक्शुअल में गैमेट्स की फ्यूजन होती है। लेकिन सिर्फ ये फर्क नहीं है, और भी बहुत ज्यादा जो है, बहुत सारे जो है वो डिफरेंस है।